नूरपुर जिसे किसी समय रेशम नगरी से भी जाना जाता था, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग चुका है। नूरपुर सिल्क मिल्स इस समय रो रही है अपने बदहाली के आंसू। सरकार द्वारा हमेशा ही इसकी अनदेखी की जा रही है, जिसका ये शिकार आज तक होती आ रही है। नूरपुर की सिल्क मिल्स 32 कनाल जगह पर स्थित है, जिसमें 20 कनाल जगह पर फैक्ट्री स्थापित है और 12 कनाल जगह पर रेजिडेंशियल मकान है, जो कि इस समय बदहाली के आंसू रो रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस सिल्क मिल के बारे में नहीं सोचा। और आज ये हाल है कि कभी 300 लोग जहां काम करते थे, अब सिर्फ 3 लोगों के सहारे काम चल रहा है। नूरपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि नूरपुर सिल्क मिल्स 1964 में जब पंजाब सरकार थी, लेकिन अधिकतर योगदान पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत महाजन का रहा है। नूरपुर का नूर, जिसे रेशम नगरी बोला जाता था, वो अब खतरे में है। इस सिल्क मिल में लगभग 300 परिवार रेशम का काम करते थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं हुआ करती थी, जो कि अब उजड़ने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि 32 कनाल जमीन पर मात्र खंडहर ही खड़े हैं। सिल्क मिल्स रेशम नगरी, जो किसी समय नूरपुर की नूर कहलाती थी, अब उजड़ने की कगार पर है। ये नूरपुर सिल्क मिल जो है वो 1964 में इसका जब सरकार पंजाब गवर्नमेंट थी, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो योगदान रहा है वो हमारे सत महाजन जी, स्वर्गीय सत महाजन जी, उन्होंने बड़ा योगदान किया है। बाकी इस नूरपुर का जो नूर, जिसको रेशम नगरी बोला जाता है, वो अब खतरे में है। यहाँ कम से कम 300 परिवार जो है वो रेशम का काम करती थी, यहाँ महिलाएं, जो कि अब उजड़ने के कगार पर है। और अब इस 32 कनाल जमीन पर मात्र सिर्फ ये खंडहर खड़े हैं। और जो देखा जाए तो नूरपुर का नूर कहलाता था, रेशम नगरी, अब वो बिल्कुल उजड़ने के कगार पर है। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि इसके प्रति सोचिए, और जो 300 परिवार जो हैं उजड़ चुके हैं, उनको द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जाए। वहीं रमेश चंद, जो कि नूरपुर सिल्क मिल्स में ही कार्यरत हैं, जो कि पिछले लगभग 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रखा गया था और वे पीस रेट पे रखे गए थे, जबकि अब वे हर काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय ना तो कोई मैकेनिक है और सारा काम 3 लोग कर रहे हैं। इतने आदमी थे कि कुछ तबादला हो गए और कुछ मजबूरी से काम छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि हमें भी प्रदेश सरकार रेगुलर करे, ताकि हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी मात्र 8,000 है, जिससे परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। रमेश चंद, मैं नूरपुर सिल्क मिल में काम करता हूँ। मैं लगभग 25 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे जब यहाँ रखा गया तो मुझे प्लाइवुड के थ्रू रखा गया, और बाद में इन्होंने मेरा पीस रेट कर दिया, जिससे कि मैं हर काम करता हूँ, ताने से लेकर पावर लूम तक, ड्राफ्टिंग वार्पिंग सारे काम करता हूँ यहाँ पर। अब तो ना कोई मैकेनिक है, सारे काम हर रल मिलकर 3 आदमी करते हैं। इतने आदमी थे वो लगभग सारे ही कुछ ट्रांसफर हो गए, कुछ काम छोड़कर चले गए मजबूरी में, जो पीस रेट थे मजबूरी में काम छोड़कर चले गए। तो ये ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी हिमाचल सरकार बाकी की तरह रेगुलर किया जाए, जब पक्का किया जाए हमें, हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें। सैलरी हमें यही मिलती है, 8-10 हज़ार के करीब मिलती है। इससे आजकल महंगाई के हिसाब से बच्चों को गुजारा करना बहुत मुश्किल है। बाकी नूरपुर सिल्क मिल्स के प्रबंधक लोकेश कुमार ने बताया कि ये फैक्ट्री 1964 में हिमाचल सरकार को पंजाब सरकार से मिली थी। उद्योग विभाग ने 1968 में MRDC को इसे दिया था। इस फैक्ट्री में उस समय लगभग 300 लोग काम करते थे। यहाँ पर कॉर्पोरेट सिल्क धागा बनता था। कपड़ों का काम भी यहाँ पर 1971 में शुरू हुआ था। 1988 में ये फैक्ट्री HPGC को ट्रांसफर की गई। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौती फैक्ट्री है, जहां सिल्क का काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। इस फैक्ट्री का इतिहास बहुत अच्छा है। सरकार के प्रयास से इसको आगे भी लेकर जाया जा सकता है। जय हिंद, जय हिमाचल। ये फैक्ट्री 1964 में हिमाचल गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश होके मिली। 68 में इस फैक्ट्री को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री सेरिकल्चर विंग ने
MIDC को दिया, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया। ये फैक्ट्री उस समय अराउंड 230 से 300 लोग काम करते थे 1964 to 71 के बीच में। कारपेट यहाँ बनते थे, सिल्क का धागा बनता था, कपड़ों का काम यहाँ पर 71 से स्टार्ट हुआ बनने का। एंड देन 88 को ये फैक्ट्री जो है HPGIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को ट्रांसफर हुई है ये फैक्ट्री। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में इकलौती फैक्ट्री है जो सिल्क की अभी गवर्नमेंट चला रही है। इट इज़ ए हेरिटेज फैक्ट्री और हिमाचल के लिए हम बोल सकते हैं कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और नूरपुर की ये एक इकलौती अमानत है। आप एग्रो को और जिन जिन फैक्ट्रीज को देखें, दिस इज ओनली द वर्किंग फैक्ट्री इन दिस एरिया। प्लस ये फैक्ट्री फेमस रहा है, इसका इतिहास बहुत अच्छा है, अभी भी यहाँ काम हो रहा है जिसमें सिल्क का कपड़ा बनता है, प्योर सिल्क का, शिफॉन, चिनॉन, क्रेप, प्लेन सिल्क, टैबी सिल्क, अलग अलग वैरायटी की सूट साड़ीज बनती हैं। यस, बदलते जमाने के साथ मार्केटिंग का गैप रहा है जिस वजह से फर्क आया है, बट हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर और बोल सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग तक इसको और आगे लेके जाया जा सकता है। एच टुडे से नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।